आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में एक बड़ा विवाद सामने आया। विवाद अफगानिस्तान की टीम से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक इस टीम के विकेटकीपर मोहम्मद शहजाद को चोट नहीं लगी है, बल्कि उन्हें टीम से बाहर निकाला गया है। खबरें थी कि मोहम्मद शहजाद के घुटने में चोट लगी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सामने आए कि शहजाद पूरी तरह से फिट है और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद शहजाद अफगानिस्तान का कप्तान बदले जाने से खुश नहीं थे। दरअसल वर्ल्ड कप से पहले असगर अफगान की जगह गुलाबुद्दीन नईब को अफगानी टीम का कप्तान बना दिया गया था, जिससे कई खिलाड़ी नाखुश थे। इस नाखुश खिलाड़ियों में मोहम्मद शहजाद भी शामिल थे। माना जा रहा है कि शहजाद पर इसी नाखुशी की गाज गिरी है। वैसे मोहम्मद शहजाद के अलावा राशिद खान और मोहम्मद नबी भी अक्सर अफगान को कप्तानी से हटाए जाने का विरोध किया था। आपको बता दें, अफगानी विकेटकीपर मोहम्मद शहजाद अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका के खिलाफ जब मैच बारिश के चलते रुका, तो उसके बाद शहजाद अपने ही अंदाज में मस्ती करते दिखे थे। शहजाद एक गाने पर राशिद खान और गुलाबुद्दीन नईब के साथ डांस कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक अफगानी कप्तान नईब को थप्पड़ मारा और उन्हें हटाने को कहा। शहजाद का ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। पहले तो ये बात मजाक लग रही थी, लेकिन अब शहजाद के टीम से बाहर होने के बाद ये मामला संगीन लग रहा है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।